नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म दंगल से मशहूर हुई एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा अपनी एक्टिंग और फिटनेस को लेकर अक्सर लोगों के बीच उछाई रहती हैं। फिल्म दंगल में एक्टिंग कर सानिया आज लोगों के दिलों में बस चुकी हैं। यही वजह है कि उन्हें दंगल जैसी फिल्म में एक्टिंग करने के बाद लोगों का काफी प्यार भी मिला था। 29 इयर्स की सानिया मल्होत्रा दंगल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। वैसे आपको बता दें, सानिया सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और उनके फैंस की संख्या लाखों में है। सानिया अक्सर अपनी फिटनेस की वीडियो और वर्कआउट की वीडियोस अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। वैसे आपको बता दें, एक्टिंग के अलावा सानिया अपनी फिटनेस और डांस वीडियोस के लिए भी सुर्खियों में रहती हैं। वो अक्सर फैंस के साथ अपनी डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं। उन्हें डांस से काफ़ी लगाव है और खुद को फिट रखने के लिए वो डांस का सहारा लेती हैं। इसके अलावा सानिया अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए और खुद को शेप में रखने के लिए योगा और कार्डियो के साथ साथ जॉगिंग भी रेगुलर करती हैं। सानिया वैसे तो कोई डाइट फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन हेल्दी डाइट में ज़रूर विश्वास रखती हैं। सानिया अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लेना पसंद करती हैं। साथ ही मौसमी फल यानी सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां और नारियल पानी उनकी डाइट का अहम हिस्सा है। इसके अलावा सानिया अपनी डाइट में नट्स कभी भी शामिल करना नहीं भूलती। वैसे आपको बता दें, दंगल गर्ल को घर का ही बना खाना ज्यादा पसंद है और वो भी सिंपल खाना जैसे दाल चावल सब्जी रोटी। वो मानती हैं कि घर के बने हुए खाने से ज्यादा कुछ हेल्दी नहीं होता। वैसे ऐसी बात नहीं है कि सानिया को जंक फूड पसंद नहीं है। सानिया जंक फूड भी लेती हैं, लेकिन वंस इन अ वीक। सानिया को बर्गर और पिज्जा बहुत पसंद है। सानिया शुगर इनटेक पे भी बहुत ध्यान देती हैं, ज्यादा मीठा वो लेना पसंद नहीं करती। सानिया विंटर्स में जैगरी यानी गुड़ को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करती हैं। साथ ही सानिया को सर्दियों में गचक खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर इसके साथ उन्हें चिक्की मिल जाए तो क्या ही कहने। तो देखा आपने सानिया का डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन। अगर आप भी अपने आप को शेप में लाना चाहते हैं तो आप डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।